अवध बिहारी सांवरिया। क्यों कह रहा हूं आप सुनिए, यदि हमारे मन में अयोध्या जाने का भाव आ गया तो हम अयोध्या के वासी हो गए। और राम जी कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं, मेरे प्रभु जो अयोध्या का वासी है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। अब मैं परसों कह रहा था रात्रि में, भगवान को देखिए तीन शब्द है, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। तीन शब्द है, प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को प्रिय कौन है, भगवान को अति प्रिय कौन है और भगवान को अतिशय प्रिय कौन है। तो प्रिय के लिए राम जी कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम ऊपर जाए। राम जी कहते हैं, जितने जीव जंतु हैं सब मुझे प्रिय हैं। सब भगवान को क्या है, प्रिय है। जितने लोग हैं सब भगवान को प्रिय हैं। अब अति प्रिय कौन है, एक तो प्रिय हो गया, अब अति प्रिय कौन है? तो राम जी कहते हैं अयोध्या वासियों के लिए कि अति प्रिय मोही यहां के वासी। अब अतिशय प्रिय कौन है? तो मेरे पीछे दर्शन करिए, अरे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी राम जी को अतिशय प्रिय, प्रिय तो है, हम सब प्रिय हैं, अति प्रिय। अयोध्यावासी हो जाएंगे तो भगवान अति प्रिय भी करेंगे, लेकिन अतिशय प्रिय हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो जानकी जी को प्रेम करते हैं। आपको मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान राजा बन गए, साथ में सुग्रीव जी महाराज, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, विभीषण जी, निषाद, राजगुह जी, सब लोग भगवान के साथ अयोध्या आए थे। भगवान राजा बन गए और राज्याभिषेक के बाद यहाँ कथा हो रही है, और भैया राकेश भैया के घर में जो बाहर से हितनाथ आए होंगे, कथा 26 को पूरी भई तो आधे लोग तो 26 को ही निकल जाएंगे, अब बचे खुचे लोग 27 को चले जाएंगे। भगवान जब राजा बन गए ना, तो साथ में जो आए थे भगवान के, कोई अयोध्या छोड़ कर गया नहीं। भगवान के जितने मित्र हैं सब अयोध्या में ही बने रहे, कितने दिन, 6 महीने तक। भगवान के राज्याभिषेक के बाद 6 माह तक सब अयोध्या में ही बने रहे। 6 महीने बाद राम जी एक दिन सबको बिठाए और बिठा कर कहते हैं, देखिए संत जिस प्रकार अपने मन से द्रोह समाप्त कर देता है, उसी प्रकार आप लोगों ने अपने मन से अपने घर का त्याग कर दिया है। जिस प्रकार संत के मन में कभी द्रोह नहीं आता, उसी प्रकार आप लोग अपने मन में अपने घर को नहीं लाए। आप लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, आप लोगों ने मेरे लिए अपने घर का सुख छोड़ दिया। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। आप लोगों ने मेरे लिए घर छोड़ा अपना। अब राम जी की बात सुनिए। राम जी कहते हैं,
आप सबसे मैं कह रहा हूं और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये राम सत्य बोल रहा है। क्या? अनुज, अनुज यानी मेरे तीनों छोटे भाई, राज ये मेरी अयोध्या की राज सत्ता, संपत्ति अयोध्या का सारा धन, ये वैदेही ये मेरी सीता, देहा मेरा शरीर, गेहा ये महल, परिवार मेरा पूरा परिवार, स्नेहे और मुझसे प्रेम करने वाले। राम जी क्या बोले? मेरे छोटे भाई, मेरी राज सत्ता, अयोध्या का पूरा धन, मेरी जान की, मेरा शरीर, मेरा महल, मेरा परिवार, मेरे सारे हित नाथ। कपियों से राम जी ये बात बोल रहे हैं, बानरों से। क्या? सब मम प्रिय, इन जितने लोगों को मैंने नाम लिया है सब मुझे प्रिय है, परंतु नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। राम जी कहते हैं जितने आप लोग मुझे प्रिय है ना, आप लोग कौन? हे हनुमान जी आप, हे सुग्रीव जी, हे जामुन जी, हे नलनील, हे अंगद, हे दुविद महेंद सठ निसठ, आप कपि लोग जितने मुझे प्रिय है ना, उतनी प्रिय मेरे लिए मेरी जानकी भी नहीं। क्यों? मेरे लिए आप लोगों ने घर का विस्मरण कर दिया। आप ये मत भ्रम में रहिएगा कि भगवान सीता जी को अतिशय प्रिय बोल दिए तो हम लोग प्रिय नहीं है। नहीं, भगवान इसका भी बात रखते, इसकी भी बात रखते हैं। शबरी मैया को भगवान ने जब नौधा भक्ति सुनाई, नौ भक्ति सुनाई, तो नौ भक्ति सुनाने के बाद राम जी कहते हैं, हे शबरी मैया, नौ में से एक भी भक्ति जिसके पास है, पूरी की पूरी नौ नहीं, नौ में से एक भी कोई नारी पुरुष कोई हो, शबरी मैया पूछी, फिर क्या प्रभु? जिसके पास एक भक्ति हो, तो राम जी कहते हैं, शबरी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। राम जी कहते हैं नौ में से एक भी जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय अर्थात राम जी कहते हैं जितना प्रेम मैं अपनी किशोरी जानकी को करता हूँ, उतना ही प्रेम मैं उस जीव को करता हूँ जिसके पास नौ में से एक भी भक्ति आ गई। आपके पास भक्ति है, कौन सी भक्ति महाराज? दूसरी भक्ति साक्षात दिखाई पड़ रही है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम करना ही ये भगवान की दूसरी भक्ति है। और राम जी कहते हैं एक भक्ति जिसके पास है मुझे अतिशय प्रिय है, इस ब्याह भाव पीठ से मैं कहता हूं आप सबको, भरोसे में रहिएगा, राम जी हमको और आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना राम जी किशोरी मैया को प्रेम करते हैं। प्रेम में कोई कमी नहीं है, उतना ही प्रेम करते। अपने को क्या करना है माई बाप, ये प्रेम कम ना होने पावे। उपाय महाराज, उपाय है ना, अरे राम नाम सुखदाई तू भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, है राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो।
लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जरी जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का है, नाम जाम सुख भाई, भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, 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 हवा चले उड़ी जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, हवा चले उड़ी जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, मुरझाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, धूप परे मुरझाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, अरे राम नाम सुख भाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, और मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गली जाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, अरे बूंद पड़े जल जाए भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का, अरे राम राम सुख भाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है